हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर सप्लाई में अपने को यात्रा आगे बढ़ाना है। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेप्शंस देखे थे, इफ यू रिमेम्बर, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई करो। मैंने लेबर का कहा था कि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, तो वो एक बार अपना आवर्स काम करने का बढ़ाता है ना, सप्लाई बढ़ाएगा एक बार। लेकिन यदि आप उसका और पगार बढ़ाते जाएंगे तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट वो ये सोचेगा कि मैं ज्यादा काम क्यों करूं। ही प्रीफर लेजर, रिलैक्सेशन। लेजर यानी आराम, रिलैक्सेशन। This is labor mind, please. चलिए, अपने को आगे बढ़ना है। लेक्चर नंबर 15। बाबूजी, मैं टॉपिक आपके सामने लाया हूं, वेरिएशन इन सप्लाई। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, ये दो शब्द डिमांड में अपन ने स्टडी किए थे। कौन से दोनों शब्द याद कर? वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। मैं वापस बोलता हूं, कोई जल्दी नहीं है बच्चा, खा पी के बैठने का, शांति से लेक्चर देखने का, पूरा ध्यान इधर रखने का। डिमांड में अपन ने ये दो टॉपिक देखे थे, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, याद करो। और वेरिएशन इन डिमांड में वापस दो बात थी, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, याद आया? एक्सपांशन यानी राइज इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन यानी फॉल इन डिमांड। इज इट क्लियर? और ये जो वेरिएशन इन डिमांड था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण जवाबदार था, एंड दैट वाज प्राइस। वेरिएशन इन डिमांड इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, मतलब अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। और चेंज इन डिमांड में बाबूजी, उसमें भी दो शब्द थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज, डिक्रीज यानी चेंज इन डिमांड। बाबूजी, चेंज के पीछे का कारण अदर देन प्राइस था, अदर देन प्राइस मतलब कोई फैक्टर हो। मैंने वो मेहमान तुम कब जाओगे ऐसा वो पिक्चर का फोटो लगाया था, इफ यू रिमेम्बर। मतलब अपने को डिमांड ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो मेहमान आ गए, बोला ना, टू द पॉइंट। डिमांड में जो दो फैक्टर देखे थे, दो पॉइंट्स फैक्टर्स याने वेरिएशन इन डिमांड, उसके अंदर दो, एक्सपांशन इन कॉन्ट्रेक्शन, और दूसरा पॉइंट चेंज इन डिमांड, उसके अंदर दो, इंक्रीज एंड डिक्रीज। वही बातें 100% सप्लाई में देखनी है बच्चा। चल चालू करते हैं। अभी अपने को सप्लाई के बारे में सोचना है, वेरिएशन इन सप्लाई, वही शब्द है वेरिएशन इन डिमांड, अभी इधर है वेरिएशन इन सप्लाई। सुन ले बाबूजी, सप्लाई का कोई भी प्रकार से राइस फॉल होगा बाबूजी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा, एंड दैट इज
प्राइस, प्राइस के कारण सप्लाई में प्लस माइनस होता जावे, उसको बोलते हैं वेरिएशन. व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, दूसरे फैक्टर को टच नहीं करना है, इस प्रकार को बोला जाता है वेरिएशन इन सप्लाई. और उसमें भी बच्चा दो बात है, एक एक्सपांशन इन सप्लाई, वही राइज इन सप्लाई. अभी डिमांड की जगह पे मैं सप्लाई शब्द यूज कर रहा हूं, जरा देख ले सोच ले. वेरिएशन में दो पॉइंट्स सीखना है, एक्सपांशन इन सप्लाई और दूसरा तू समझ गया होगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. चल पहले एक्सपांशन की बात करते हैं. सप्लाई बढ़ता है रे, है क्यों बढ़ता है रे, क्योंकि भाव बढ़ता है ना, तो सेलर को भी बहुत बहुत मन होता है मैं ज्यादा बेचूं, भाव बढ़ रहा है रे. एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन द प्राइस, ड्यू टू राइज इन द प्राइस. बाबूजी अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब सप्लायर, अभी कंज्यूमर नहीं, सप्लायर ही विल बी ऑन द सेम सप्लाई कर्व, वो वही सप्लाई कर्व पे रहेगा. जरा देखिए सप्लाई कर्व आ चुका है, स्वागत कीजिए. एसएस इज द सप्लाई कर्व, उधर देख वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई पे प्राइस, एक्स पे क्वांटिटी. सुना क्या रही है? बनाने का तेरे को, ड्रॉ करने का मेरे को, बीच में रुका देने का तेरे को लगता है कि तेरे को थोड़ा ज्यादा समझना है, ज्यादा सुनना है, ज्यादा टाइम चाहिए. एक बार मुझे पॉज करके जरा डायग्राम अच्छे ढंग से बनाने का है. देखिए ना, ऐसे ऐसी तो सप्लाई करो राइजिंग अपवर्ड, बच्चा ध्यान से देख. ओपी इज द प्राइस, ओक्यू इज द सप्लाई, दिखता है क्या? ओपी प्राइस है बच्चा, ओक्यू सप्लाई है, कंज्यूमर इज एट पॉइंट एम, है भाव बढ़ा रे, पी वन हुआ रे, सप्लाई भी बढ़ गई रे, ओक्यू हुआ रे, देख ले सेलर एम टू एन चला रे, ये दिखता है क्या रे? राइजिंग अपवर्ड एम टू एन, बाजू में लिखा है देख, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, पीपी ऊपर एस एस ऊपर. सुना क्या? तो बाबूजी प्राइस बढ़ा ओपी टू ओपी वन, सप्लाई ऑल्सो इज राइजिंग ओक्यू टू ओक्यू वन, सैलरी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट एम टू एन ऑन द सेम सप्लाई कर्व, बिंदा सप्लाई को बना रहे राइजिंग. ज्यादा सोच मत, राइजिंग ज्यादा सोच मत. और कहीं पे भी दो पॉइंट ले ले एम एन और फिर वो प्राइस ले ले, प्राइस पहले मत ले, प्राइस बाद में ले, एम और एन दो पॉइंट पहले ले ले, अपने आप पी पी वन क्यू क्यू वन तेरे को मिल जाएगा. डिस्टेंस का यहां कोई लेना देना नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने का यानी करने का, नो शॉर्टकट प्लीज. जरूरत पड़े मेरे को लुकाने का, मेरा लेक्चर पॉज करने का, मगर डायग्राम ड्रॉ सिंपल है. खाली एक अपर राइजिंग सप्लाई कर्व बना दे, कहीं पे भी दो पॉइंट ले ले, खेल खलास. उल्टा क्या मतलब है? एक्सपांशन नहीं रे, कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन. बाबूजी इट इज कॉल्ड फॉल इन सप्लाई, ऑफ कोर्स ड्यू टू प्राइस ओनली, अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट. ये एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन में बाबूजी ड्यू टू प्राइस ही बात कर रहा है, अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट. हाँ
तू मेरे को पूछ सकता है ये सप्लाई को कैसा होगा, वही सप्लाई को वंस मोर। हाँ देख वही सप्लाई कब है बच्चा, वही सप्लाई कब है। अभी कंज्यूमर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, पहले वो एन पे था अभी ये एम पे आया, रे जिंदा सप्लाई को ड्रॉ कर दे जैसा तैसा कुछ भी चलेगा, एल हो गया। कहां पे भी ये पी पी वन मिल जाएगा, ऊपर नीचे होगा चलेगा, एन क्यू क्यू वन मिल जाएगा, डिस्टेंस का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयरफॉर कहां पे भी ले ले बिंदास, एम ले सप्लाई। देखना पहले सप्लाई ओ क्यू था एंड देन सप्लाई इज फॉलिंग टू ओ क्यू टू, समझा? पहले सप्लाई ओ क्यू था फिर ये घट के ओ क्यू टू हो गया, पहले प्राइस ओपी था ओपी टू हो गया, इसको ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। बाबूजी एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन डायग्राम सेम, एक्सपांशन में एम टू एन, कॉन्ट्रेक्शन में एन टू एम। बाबूजी वेरिएशन में मैंने दो पॉइंट सिखाए, ऐसे अगला टॉपिक चेंज इन सप्लाई। इंग्लिश में वेरिएशन चेंज का मीनिंग जल्दी से समझ में नहीं आता है, चेंज ही होता है। इकोनॉमिक्स इसको जरा खुल के बात करता है, चेंज इन सप्लाई का मतलब बाबूजी व्हेन सप्लाई इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। Other than price, it is called change in supply. मतलब price के सिवाय, other than price, price के अलावा कुछ भी कारण के वजह से supply में फेरफार होगा। इसमें भी अपने को दो टाइप सीखना है रे। पहले आया increase in supply, मतलब more is supply, not because of प्राइस बट ड्यू टू बाबूजी अदर फैक्टर्स। अभी सप्लाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि देर आर सम फेवरेबल चेंज, फेवरेबल बोला, अदर देन प्राइस, घड़ी घड़ी माथे पे ठोकूंगा अदर देन प्राइस, क्योंकि प्राइस के वजह से सप्लाई में प्लस माइनस हो गए ना, तो तुम वो बाबूजी फॉल एंड राइज इन सप्लाई हो जाएगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन। अभी अदर देन प्राइस यानी अदर फैक्टर्स, बाबूजी सप्लाई इंक्रीज क्यों? क्योंकि कुछ अपने को फेवरेबल फैक्टर्स दिखते हैं, फैक्टर्स यानी कारण। आप पूछेंगे सर क्या हो गया? बाबूजी मैं जो रॉ मटेरियल खरीदता हूं मुझे सस्ता मिल रहा है, उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, गवर्नमेंट ने मेरे को टैक्स में छूट दे दिया, नया टेक्नोलॉजी आया, सम अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट का सुविधा अच्छा हो गया कि मेरा खर्चा बचने लगा, वट एवर बी द फेवरेबल रीजंस, माय सेलिंग प्राइस इज नॉट चेंजिंग, बट स्टिल आई कैन सप्लाई मोर बिकॉज ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स। द सप्लाई कर्व इन सच अ सिचुएशन शिफ्टिंग टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। जरा देख रहे, एक उदाहरण लिया है, पहले चरखे से काम होता था, अब मशीन से काम हो रहा है, अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी। बाबूजी काम इतना फास्ट होने लगा, इतना लार्ज स्केल होने लगा कि आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, फास्ट सप्लाई कर सकते हो बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी। मतलब यहां बाजार में सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा टेक्नोलॉजी में मैं स्पीडी हो गया,
मेरा खर्चा कम हो गया। बाबू जरा मेरे डायग्राम से बात करने दे रे, आया देख, स्वागत कर। सप्लाई को बनाने का बच्चा, पेंसिल रूलर लेके आ जा। एक्स ले, वाई ले, ओरिजिनल ले, वाई पे प्राइस ले, एक्स पे क्वांटिटी, फटफट बना रहे। बहुत डायग्राम बनाया अभी अपन ने और बनाने वाले हैं, तू कंटालने का नहीं, पेंसिल को तो छिलते ही रहना और खोपड़ी को भी शार्प करते रहना। अभी देख, डिमांड में भी अपन ने देखा था वही पॉइंट इधर, मगर यहां सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। एक सप्लाई कर रहा है, दूसरा सप्लाई कर रहा है। देख एस एस इज द सप्लाई को, एस वन सप्लाई को, दो सप्लाई को बिंदास बाजू बाजू में बना दे, एक दूसरा राइट हैंड साइड। बस सप्लाई को शिफ्टिंग टू राइट हैंड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में ऐसा ही था रे, याद आया क्या रे? When the supply curve is shifting to right hand side, it is called increase in supply. जरा देख रहे मेरे को बातें करने का। OP is the price. ये बच्चा, OP is the price. OQ is the supply. I am on SS supply करो। अब वही price पे देखो मेरा supply बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं जान मुझको थोड़ा आड़ा तेड़ा बनाता हूं ताकि तेरा उधर ध्यान पहुंचे। बाबू जी ये सप्लाई को देखो, S1 कैसा बाजू में से निकाला, कटिंग लाइन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्रॉ कर दो बेचारे का बिंदास। पहले है ना दो पैरेलल सप्लाई को भी बना डालने का, फिर ओपी ऐसा निकालने का खट 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 कर और नीचे उतरने का, ओ क्यू ले, ओ क्यू वन ले। सुना क्या? पहले दो सप्लाई को, ओपी प्राइस दोनों को कट कर, एम से उतर क्यू पे, एन से उतर क्यू वन पे, मतलब सेलर इज मूविंग फ्रॉम एम टू एन, सप्लाई कम शिफ्टिंग टू राइट, इट इज कॉल इंक्रीज इन सप्लाई। फेवरेबल फैक्टर बताना, वो चरखा रे गांधी जी चरखा, अभी तो मशीन युग आ गया बच्चा। लीजिए बाबू जी, एट द सेम प्राइस यू सी more is supplied, supply can be shifting to the right hand side, it is known as increase in supply. Ulta le re, decrease in supply. Babuji, main supply kam kar raha hu, kya ho gaya? Price utna hi hai bazaar mein, price utna hi hai, तो फिर मैं सप्लाई कम क्यों कर रहा हूं? कोई फैक्टर्स है, कारण फैक्टर्स यानी जो मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है कि मैं अपनी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता। देर आर सम अनफेवरेबल चेंजेस। बाबू जी आगे मैं फेवरेबल फैक्टर्स चेंज बोला था, अभी मैं अनफेवरेबल रीजंस बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल बाबू जी, रॉ मटेरियल के भाव बढ़ गए, लेबर भी ज्यादा वेजेस मांग रहा है, गवर्नमेंट भी ज्यादा टैक्स मांग रहा है। अरे यार मेरे मशीन में खड़खड़ 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 आवाज आ रहा है, पावर ज्यादा खा रहा है, लेबर ने भी स्ट्राइक कर दिया, ट्रांसपोर्ट में भी इतना तकलीफ है, मतलब मैं ऐसे भीड़ में आ रहा हूं कि मेरे को जो प्राइस पे बेचना है वो तो उधर ही है, मेरा खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो बाबू जी मैं अपनी सप्लाई को थोड़ा बहुत कम कर रहा हूं, पहले जितना सप्लाई था उससे सप्लाई कम रे। वैसे ही डायग्राम आया देख, उसके पहले ये मैंने एक चित्र डाला है, हमारी मांगे पूरी करो। देख वर्कर लोग आ गए रे, अभी बेचारे सेलर कंपनी वाला क्या करेगा, उसका हड़ताल हो गया। देखो प्रोडक्ट का सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो गया क्योंकि हड़ताल है। देख लो मिल में मजदूरों की हड़ताल है, सप्लाई
कम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई. बाबू जी प्राइस इज नॉट चेंजिंग बट अदर फैक्टर इज अनफेवरेबल. देखना हड़ताल हो गया मेरे फैक्ट्री में यार, प्रोडक्शन बंद, सप्लाई डिक्रीज. बाबूजी मुझे जरा डायग्राम भी बताना तुझे, वही डायग्राम बन सके. दो सप्लाई को बना ले बिंदास, खटाक खटाक, बिंदास बिंदास, आप पी से प्राइस निकाल, जान दे बिंदास. दोनों सप्लाई कर को कट करता रहे, एक को एन पे दूसरे को एम पे, बिंदास दो सप्लाई को बना रहे हैं, सोचे बिगार. हाँ राइट एंड वाले को नाम दे एसएस, मतलब ओरिजिनल सप्लाई को मेरा ये है एसएस, और दूसरा वाले को नाम दे एस टू एस टू. अल्लाह एस टू एस टू, अल्लाह रे जान मुझके साथ आड़ा आड़ा लिखता रहा है, तेरे को दिखे ना. मतलब कंज्यूमर पहले एम पे था, अभी वो एन पे है रे, सप्लाई कभी शिफ्टिंग टू लेफ्ट. पहले सप्लाई ओक्यू था, अभी सप्लाई ओक्यू टू पे आ गया, देखना. मिला क्या? सप्लाई कभी शिफ्टिंग टू लेफ्ट, प्राइस उतना ही है ओपी. सप्लाई कभी शिफ्टिंग टू लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई करो. बाबूजी एस एस से एस टू, एस टू पर मैं चला गया, देखना. पहले सेलर एम पे था, अभी वो एन पर आ गया. बाबूजी दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई. बाबूजी कुछ बातें बुक में दिया है, जरा तू भी सुन ले रे. सप्लाई बाबूजी, सप्लाई को माइक्रो कब बोला जाता है? जब वो एक सप्लाई की बात होता है, माइक्रो. और एग्रीगेट सप्लाई की बात बोले तो मैक्रो. सिंगल सेलर माइक्रो, सभी का सेलर का मार्केट में सप्लाई यानी मैक्रो. हाँ देख जरा वो एक जा रहा है और जंगल है जंगल. एक जा रहा है माइक्रो, अनेक जा रहे हैं मैक्रो. एग्रीगेट सप्लाई इसको बोल रहे हैं. जंगल गिनने की कोशिश मत कर, नहीं गिन सकेगा. टाइम पास मत कर रहा, इधर खुला एक हवा में जाड़ खड़ा रखा, देख मैं भी कहां कहां से लाता हूं चित्र. सो व्हेन आई से माइक्रो मींस आई एम टॉकिंग ऑफ वन सिंगल सप्लाई, एंड व्हेन आई से एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई यानी कि मार्केट सप्लाई, प्लीज सी. बाबूजी एक जाड़ है माइक्रो, अनेक जाड़ है मैक्रो. बाबूजी मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बातें. सप्लाई सेलर की, सेलर बेचेगा, प्रोडक्शन होता है, ये सब. उसके साथ दो शब्द और जुड़े हैं. देख सेलर उत्पादन करेगा ना प्रोडक्शन, तो खर्चा नहीं लगेगा क्या? या दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. और वो जो बेचेगा तो इनकम मिलेगा, रेवेन्यू. तो सप्लाई के साथ दो शब्द जुड़े हैं, वन इज द कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेकंड इज द रेवेन्यू, कि अपन बच्चा बेचेंगे तो इनकम होगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. प्लीज सी, पहले अपन एक कॉस्ट की बात कर लेते हैं, फिर अपन रेवेन्यू की बारी बारी से बात करेंगे. देख बच्चा, कॉस्ट, कॉस्ट यानी खर्चा. कोई भी चीज का कॉस्ट लगता है कि नहीं बच्चा? तो घर में सैंडविच बना, वो पूरा वो स्लाइस का पैकेट लेके आ रहे ब्रेड का, कभी बना लेगा? मैं सच बोलता हूं, ये बुक में भले नहीं बोला, एक बार तू ट्राई करना. ब्रेड लेके आ, टमाटर लेके आ, ककड़ी लेके आ, चटनी पटनी का जो धनिया फनिया लेके आने का, मिर्ची सबका खर्चा ऐड कर, बटर लेके आ, टोटल मार कितना खर्चा हुआ,
और उसमें से कितनी सैंडविच बनी, वाह वाह जी वाह वाह, और वो टोटल खर्चा क्यों डिवाइडेड बाय, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंडविच तुमने जो बनाया, तेरे को आइडिया मिलेगा कि मेरे को एक सैंडविच कितने की पड़ी, एक सैंडविच कितने की पड़ी, ब्रेड का पैकेट लेके आया, टमाटर काकड़ी ये वो धनिया जो लंगता ले ना, टोटल खर्चा देख ले और उसमें से कितनी सैंडविच बनी है देख ले, वो चटनी फटनी बटर एक बार करके देख यार। हम लोग है ना कभी प्रैक्टिकल बने ही नहीं, खाली कोर्स के बच्चे लोग हैं, लेकिन बिजनेस किसको बोलते हैं वो हमने अनुभव नहीं लिया ना, हमने तुमको दिया है, हमारी बातों में से बहुत अच्छा सुनने मिलता है, दैट इज ट्रू, लेकिन कभी आपने इतनी उम्र हो गई ऐसा भी हल्का प्रयत्न भी नहीं किया कि अपने को कितने में पड़ता है, कर रहे एक बार ट्राई कर लो। चल तो कॉस्ट यानी खर्चा, व्हेन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक द प्रोडक्शन ही हैज टू यूज वेरियस इनपुट, इनपुट यानी साधन, उत्पादन का साधन इसको बोलते हैं इनपुट। लाइक कोई भी उत्पादन करेगा तो तेरे को क्या क्या चाहिए, लैंड लेबर पावर है ना, रॉ मटेरियल कैपिटल, पैसा भी लगाना पड़ता है, मशीन ये वो बहुत कुछ चाहिए, एक फैक्ट्री डालना है तो ये सब का खर्चा लगेगा, दैट इज कॉस्ट। He has to pay for input. Input यानी साधन, उत्पादन के लिए जो चीज लगेगी उसको बोला जाता है इनपुट, और उत्पादन को बोलते हैं आउटपुट, इनपुट आउटपुट, सुना क्या, इनपुट आउटपुट। वो गन्ने को पीलते हैं ना उसमें से जूस निकलेगा, तो इनपुट है जूस आउटपुट है दिखता ना मस्त, इनपुट आउटपुट। बाबूजी जो चीज उत्पादन के लिए उपयोग में लेना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इनपुट साधन, उसका जो खर्चा है दैट इज कॉस्ट। द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन दिस इनपुट दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाबूजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द आउटपुट, हायर द प्रोडक्शन हायर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना जितना उत्पादन बढ़ाते जाएगा सीधी बात है ना खर्चा पड़ेगा। एक ब्रेड का सैंडविच बनाया, मेहमान लोग आया, दो तीन चार ब्रेड का सैंडविच बनाओ पैकेट लाने का हो, खर्चा बढ़ेगा, टमाटर ज्यादा लगेगा, ककड़ी ज्यादा लगेगा, जो भी आउटपुट भी बढ़ रहा है खर्चा भी बढ़ रहा है, देर आर कॉस्ट। अभी मुझे तेरे से बातें करनी है कॉस्ट के बारे में। बाबू जी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जरा अभी सुनना, खर्चे को मैं तीन पार्ट में कैसे बांट रहा हूं। वन इज द टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना। बाबू जी आप लोग टूर पे कभी चले जाए वेकेशन में, महाबलेश्वर ये वो वगैरह गोवा वगैरह, तो टोटल कॉस्ट देखना पड़ता है, घर से निकलेंगे घर घर पे वापस आएंगे तब तक का खर्चा, आवन जावन रहवन खावन पीवन है ना, करना पड़ता है। बाबूजी मुझे क्या बोलना है भाई साहब, मुझे क्या बोलना है, खर्चा टोटल कॉस्ट आपको देखना पड़ता है। तो टोटल खर्चा कितना, अभी अपन इधर बात करते हैं, वो महाबलेश्वर को छोड़ रहे, मगर तेरे खोपड़ी में मेरी बात से बराबर टकाटक ट्यूबलाइट हो जाती है, क्या खर्चा कितना, होटल में रहेंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे सब खर्चा, टोटल खर्चा, इधर भी टोटल खर्चा है, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स यानी साधन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा लगेगा सब। टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी कुछ खर्चे फिक्स है, कुछ खर्चे वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज, आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो खर्चा पड़ेगा, खर्चा जितना प्रोडक्शन ज्यादा करेगा खर्चा भी ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो वो प्रकार का खर्चा कम हो जाएगा, उसको वेरिएबल बोलते हैं। कुछ खर्चे तो फिक्स ही होते हैं जी, और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं। तो टोटल कॉस्ट, इसमें दो चीज आ गई है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जरा बराबर देख के जाना, टोटल कॉस्ट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बाबू जी फिक्स खर्चा मतलब जो खर्चा एक ही बार लगता है, घड़ी घड़ी नहीं लगेगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल मतलब जो खर्चा चेंज होता है, जितना प्रोडक्शन चेंज करोगे ज्यादा ज्यादा तो खर्चा भी बढ़ता जाएगा ज्यादा ज्यादा ऐसा। तो कुछ खर्चे फिक्स है, कुछ खर्चे वेरिएबल है। लेट मी टॉक इन डिटेल व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल बुक के हिसाब से बातें करता हूं, ताकि कॉस्ट तो बहुत बड़ी चीज है बच्चा, लेकिन अभी बुक में जितना है वैसे बातें कर रहा है। फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? द एक्सपेंसिस ऑफ द प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर, फिक्स साधन सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट। एक बार अपन बिठाते हैं, एक बार खर्चा करते हैं, इसको यहां पे फिक्स कॉस्ट बोला गया है बाबू जी इकोनॉमिक्स में। बाकी इसमें बहुत कुछ बोलने लायक है जो मुझे नहीं बोलना है, वापस बोलता हूं। फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर। जो चीज अपन एक ही बार खर्चा करते हैं, खड़ी खड़ी नहीं करते हैं, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, टूल्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। बाबू जी एक ही बार, ये रोज रोज थोड़ी होता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। हमारे बाजू में एक डेंटिस्ट है, क्लिनिक बनाया, बस बड़ा उसका वो कुर्सी रखते हैं, मैं भी बैठा उधर जाके, फेशियल लाइट लगाते हैं अपने चेहरे पे आता है। एक बार मेरे को मगर मस्ती में बोल गए, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं, बस सबके मुंह को मुंह के अंदर जाके देखने का, वो अंदर ही देखता है। बाबू जी तो उसने वो कुर्सी, उसका वो मशीन, ऐसा दांत घिसने का ऐसा मशीन आता है, हाँ, अपने दांत को, क्योंकि ये सब खर्चा फिक्स है। लेकिन वो जब दांत बनवाता है तो उसका वो प्लास्टर और पेरिस और ये सब मसाला, उसका रॉ मटेरियल आता है, तो वो घड़ी घड़ी चेंज होते रहता है। कितने भी पेशेंट आएंगे, फिक्स जो खर्चा लग गया क्लिनिक का, मशीन का, वो तो फिक्स है। लेकिन वो घड़ी घड़ी दांत नया नया बनाएगा नए नए पेशेंट का, वो प्लास्टर और पेरिस वगैरह, तो कैसे, वो तो घड़ी घड़ी नया लगेगा ना। हाँ, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। तो मशीन, लैंड, टूल्स फिक्स खर्चा है, जरा देख रहे आगे। वेरिएबल खर्चा किसको बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, है ना, पावर, फ्यूल, ईंधन, जलाने की चीज, फैक्ट्री में डीजल, पेट्रोल, वुड, ये सब लगता है रे। तो ये सब वेरिएबल खर्चे हैं बाबूजी। टोटल कॉस्ट मेड ऑफ टू थिंग्स, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल यानी बदलता रहता है, रॉ मटेरियल, पावर, वो सब। बाबूजी आगे चलू तो एवरेज कॉस्ट, बोला ना तूने सैंडविच बनाया, टोटल खर्चा कितना आया, अभी एक सैंडविच का खर्चा कितना, तो क्या मान लो 10 सैंडविच बनी है, 10 सैंडविच बनी और तेरा टोटल खर्चा, उसको 10 से डिवाइड कर डाल, तेरे को एक सैंडविच का खर्चा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। है ना, ब्रेड का पैकेट लाया, टमाटर काकड़ी सब लाया, सबका टोटल मार दे, मान लो 175 रुपया,
180 रुपया पकड़ना चलना सब, और उसमें से 10 सैंडविच बना, मतलब एक सैंडविच का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18 रुपया आया भाई साहब, समझ में आया? तो एक का खर्चा यानी एवरेज कॉस्ट। तो इधर अभी सुन रहे, सैंडविच को बाजू पे डाल। एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक का यूनिट यानी एक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। वापस, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, पीसी अपॉन टीक्यू। उधर देख रहे हैं, पीसी टोटल कॉस्ट, टीक्यू टोटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिखा है, जरा देखना। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स 800, 40 यूनिट का 800, देन एवरेज कॉस्ट यानी 800 डिवाइडेड बाय 40 ले, कॉस्ट पर यूनिट 20 ले। देख बच्चा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट देखा ना, फॉर्मूला सीधा रहे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, 800 डिवाइड बाय 40, 20 रुपया, दैट इज द एवरेज कॉस्ट बाबूजी। आगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल शब्द मेरे को लगता है सुने लाए है किधर, मार्जिनल यूटिलिटी, याद आया? अब यहां यूटिलिटी नहीं है बच्चा, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल खर्चा कितना, एडिशनल खर्चा कितना, मतलब आपने जितना प्रोडक्शन किया ठीक है, और एक यूनिट प्रोडक्शन करना है तो खर्चा कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और एक का खर्चा कितना लगेगा टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, एडिशनल यूनिट, हाउ मच विल बी द कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, बाय वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट तो और उत्पादन कर ले, एक यूनिट और उत्पादन कर ले, तेरा खर्चा कितना आता है देखे। तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर एन यूनिट इज इक्वल टू एंथ यूनिट, कोई एक एन यानी नंबर, कोई भी आंकड़ा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट, एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। एन यानी कोई भी नंबर है आंकड़ा, समझता है ना? दसवीं यूनिट का खर्चा कितना, तो अगर टोटल 10 यूनिट का खर्चा में से टोटल 9 यूनिट का खर्चा माइनस करो, रिपीटिंग, अपन ने टोटल 10 यूनिट बनाया तो दसवीं यूनिट का खर्चा कितना रे, तो क्या टोटल 10 यूनिट का खर्चा कितना है उसमें से टोटल 9 यूनिट का खर्चा माइनस करो, सुनता है क्या? टोटल 10 यूनिट का खर्चा में से टोटल 9 यूनिट का खर्चा माइनस कर, तो तेरे को दसवीं यूनिट का खर्चा मिल जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। सुना ना, 10 का खर्चा इतना, उसमें से 9 का खर्चा माइनस कर, एक का बच गया ना दसवीं यूनिट का। सोचने का मेरे साथ, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इफ द प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज 200, एग्जाम्पल लिया इधर,
एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज 250. चार यूनिट का खर्चा 200 टोटल, पांच यूनिट का खर्चा 250, चार यूनिट का खर्चा 200, पांच यूनिट का खर्चा 250. तो जो पांचवी यूनिट बनाया ना लास्ट एडिशनल, उसका खर्चा कितना आया? तो सर वो 200 में से, सॉरी, और 250 में से 200 माइनस करो, 250 में से 200 माइनस करो 50. दिखा देख, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 50 रे. तो टोटल कॉस्ट 5 का माइनस टोटल कॉस्ट 4 का, 250 माइनस 200 बोले 50. समझ में आ रहा है? मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा, एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा. चार बनाया 200, पांच बनाया 250, यानी जो पांचवी यूनिट बनाया उसका खर्चा 50 है. यस, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. बाबूजी, मेरे को ऐसे ही यहां पे फाइंड आउट करके लिखा तो तेरे सामने शेयर करता हूं. इफ अ फर्म प्रोड्यूस 600 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी इन अ डे एंड इनकर टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000. 600 यूनिट बनाया, टोटल कॉस्ट 30,000 है. बाबूजी, एवरेज कॉस्ट कितना रे? ले, एवरेज कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं? 30,000 का खर्चा है ना 600 यूनिट का, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. ऐसा लिखना रे, थोड़ा गणित आवे ना तभी करने का रे. गणित आता है, आगे भी आने वाले स्टैटिस्टिक्स. 30,000 डिवाइडेड बाय 600, एवरेज कॉस्ट 50. बाबूजी, मेरे सामने एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेवेन्यू. देखो, मैंने अभी आपको कॉस्ट पढ़ाया, ये जो रेवेन्यू की बात मुझे आपके सामने रखनी है बाबूजी, एकदम सिमिलर मगर अपोजिट वे से है रेवेन्यू. कॉस्ट यानी इनकम, कॉस्ट यानी खर्चा, रेवेन्यू यानी इनकम. आई रिपीट, कॉस्ट यानी खर्चा, रेवेन्यू यानी रिसीट, इनकम. ऐसे सिमिलर है मगर अपोजिट है. मैं थोड़ा कंफ्यूज तुझे नहीं करना चाहता, चाहूं तो अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा ये कंसेप्ट बच्चे को कहीं कंफ्यूज कर डालते हैं. सीखने को इजी है लेकिन दोनों एक साथ आ जाते हैं ना, तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज मुझे लगता है. तो बच्चा, मैं रेवेन्यू जान बुझ के अभी कॉस्ट को एक बार रख दिया, जरा ठंडा होने दे. अगले लेक्चर में ये रेवेन्यू मैं लेता हूं ताकि तू कंफ्यूज नहीं रहे. सिमिलर है, अच्छा भी है, इजी भी है, लेकिन मुझे तुझे कंफ्यूज नहीं करना है. थोड़ा रिवीजन कर ले, डायग्राम बना ले, जो कैलकुलेशन किया वो कर ले, थोड़ा रिवीजन पढ़ाई करते रहने का. एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू.